हेलो किसान साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेजेंटा कंपनी के चेस इंसेक्टिसाइड के बारे में। यह कैसे काम करता है, कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको हम कौन कौन सी फसल में दे सकते हैं, क्या कीमत होती है, कितना डोज हमको देना चाहिए, सब कुछ डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। सेजेंटा कंपनी के चेस इंसेक्टिसाइड में टेक्निकल के बारे में जान लेते हैं। इसमें पायोमेट्रोजन 50% WG यानी वाटर सोल्यूबल ग्रेन्यूल होता है। यह है कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमिक का मतलब होता है पत्तियों में दवाई का छिड़काव करने से पूरे पौधे तक उसका असर पहुँच जाता है, जिसको हम सिस्टमिक या अंतरप्रवाही बोल सकते हैं। पायोमेट्रोजन 50% के मोड ऑफ एक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसके प्रयोग से पूरा पौधा जहरीला बन जाता है। जो कीट पौधे को चबाता है तो वह कीट के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे कीट खाना बंद कर देता है, अंडे देना बंद कर देता है और उसको दोबारा जीवित होने का समय ही नहीं मिल पाता है और अंततः कीट मर जाता है, जिससे पौधा काफ़ी सुरक्षित होता है। चेस इंसेक्टिसाइड या पायोमेट्रोजन 50% कीट को पैरालिसिस करके जल्द ही मार देता है। कीट को लकवा मार देता है, जिससे वह खाना बंद कर देता है और अंडे देना भी बंद कर देता है और कीट मर जाता है। किसान भाइयों, आप जानते हैं पायोमेट्रोजन में कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है? यह है मुख्य रूप से BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर, जो भूरे और काले रंग के कीट होते हैं, या इनको हम माहू भी कह सकते हैं, इनको नियंत्रित करता है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी, फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर, कैटरपिलर, लीफ होपर, पिंक स्पॉट जैसे कीटों को आसानी से नियंत्रित करता है। इसके साथ अन्य कोई इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड को आप मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, यह रिएक्शन नहीं करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धान की फसल में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि धान की फसल में माहू का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। धान के अलावा आप दूसरी फसल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे गन्ना, कपास, अंगूर, टमाटर, भिंडी, बैंगन, आलू इत्यादि फसलों में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। माहू पर आपको 100% कंट्रोल देखने को मिलेगा। पायोमेट्रोजन 50% WG एक विश्व स्तरीय तकनीक है, जो कीट को तुरंत इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर देती है। जो वयस्क कीट होते हैं उनमें अंडे देने की क्षमता को रोक देता है तथा पुनः जीवित होने से रोकता है। अब हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक एकड़ खेत में 120 ग्राम पायोमेट्रोजन को लेना है। 150 से 160 लीटर पानी में 120 ग्राम चेस इंसेक्टिसाइड को अच्छे से मिलाकर छिड़काव कर देना है। छिड़काव आप हमेशा शाम या सुबह के समय में ही करें। जब टेम्परेचर कम होता है तब दवाई का असर ज़्यादा देखने को मिलता है। कीमत के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कीमत 120 ग्राम पैक की कीमत लगभग 800 रुपये के आसपास देखने को मिलती है, तो वहीं 500 ग्राम पैक की कीमत 3000 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। कीमत थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे भी हो सकती है। यह आपके एरिया पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। किसान भाइयों, अब हम सावधानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको हमेशा छिड़काव करते समय हाथ में ग्लव्स और मुंह में मास्क अवश्य लगाना है। दवाई खरीदते समय दुकानदार से GST या पक्का बिल जरूर लेना है। दवाई का छिड़काव आपको हवा के विपरीत दिशा में नहीं करना है और बच्चों की पहुंच से दूर तो रखना ही है। छिड़काव करते समय कोई भी चीज़ को खाना नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों, यह जानकारी सेजेंटा कंपनी के चेस इंसेक्टिसाइड के बारे में दी है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आपके सुझाव दें। आपका सुझाव हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।